तुम कौन हो? शेर खान। शेर खान कौन हो? मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? नहीं जानती। हमारा कुछ सारा दुनिया जानती है। पुलिस वालों से तो फिर आपको पता है, उनका तो एक पैसे दे के जान छुटती है उधर। रिश्वत के बगैर दुनिया में काम कौन सा चलता है? नहीं इतना आगे ना है, मैं राम राम सत्य। उनको बस खिलाई जाए, बस जितने देंगे वो पकड़। फिर उसको बोला छोड़ो, फिर उसने छोड़ा। सर हम पकड़ाते हैं, इसमें तो बात ही कोई नहीं है। उर्दू में ही आज समझ आएगी, नहीं हिंदी से सही है, चलना भी तो है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एमन हाशमी और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के सदर बाजार में। यहाँ पर मैं आवाम से जानने की कोशिश करूँगी कि उनका कभी पंजाब पुलिस से सामना हुआ है, और अगर हुआ है तो उन्होंने अपनी जान कैसे छुड़वाई। मतलब कि कहा जाता है पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा रिश्वत लेती है, क्या इनसे किसी ने रिश्वत ली और इन्होंने दी, और अगर ली भी है तो इन्होंने किस तरह से रिश्वत ली। अगर आपने कभी उनको रिश्वत दी है तो कमेंट्स में बताएं, मैं जानती हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेर खान। शेर खान, कभी पुलिस से मुलाकात हुई है या पुलिस ने कभी पकड़ा आपको? हाँ एक दफा पकड़ा। क्यों पकड़ा था? वो मैं गाड़ी तेज चला रहा था। गाड़ी तेज चला रहे थे, फिर कैसे छोड़ा था? फिर उसको बोला छोड़ो, फिर उसने छोड़ा। उसको बोला छोड़ो और उसने छोड़ दिया। थाने पे चला गया, फिर उसने छोड़ दिया। थाने पे जाके वो शनाख्त कार्ड दिखाने से वो सबको छोड़ देगा? सबको नहीं, मुझे छोड़ दिया। तुम कौन हो? शेर खान। शेर खान कौन हो? मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? नहीं जानती। हमारा कुछ सारा दुनिया जानती है। हमारे को मैं नहीं जानता। जानेगा हमारा? जानेगा। पुलिस ने कोई पैसे वगैरह का मुतालबा नहीं किया? नहीं वो नहीं किया। नाम देख के, शेर खान देख के उन्होंने छोड़ दिया? नाम नहीं देखे वैसे छोड़ दिया। नाम भी नहीं देखा वैसे देख के छोड़ दिया? नाम पूछा है। नाम पूछा है? आपने कहा शेर खान, वो डर गया? नहीं डर नहीं गया, वैसे छोड़ दिया। चालान से बचने के लिए मैंने बाल का दिया है, कभी 200 कभी 300 रुपया दिया मैंने, तो मौके भी। अच्छा मैंने सुना है कि वो अक्सर से नो टू करप्शन की ना पिक्चर के नीचे बना हुआ होता है, टेबल के नीचे से हाथ गुजार रही होती हैं। क्या वाकई में वैसे देते हैं या वैसे पकड़ा देते हैं? नहीं सर हम पकड़ाते हैं, इसमें तो बात ही कोई नहीं है। अरे हम पकड़ा देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या पुलिस के बारे में सारा कुछ दुरुस्त है? नहीं कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं। पुलिस वालों से जान कैसे छुड़वाती हैं? पुलिस वालों से तो फिर आपको पता है, उनका तो एक पैसे दे के जान छुटती है उधर। हाँ वो कहते हैं पैसे देने तो आपको फिर लाइन में लग करना पड़ेगा, इससे हम पैसे भी दे देते हैं कि चलो लाइन से अच्छा फिर पैसे दे देने को। क्या मुतालबा करते हैं वो, कितने पैसों का मुतालबा करते हैं? ये होता है 200 लेके छोड़ देते हैं बस। कभी पुलिस ने आपको कहीं पकड़ा हो या रोक लिया हो तो क्या किया था? काफी दफा रोका है। ऐसा क्या किया था जो रोका था? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स कभी पास नहीं होते, कभी होते भी हैं तो कभी कहते हैं आपका इशारा नहीं चल रहा, तो कभी कुछ बस रोक के पैसे बनाने होते हैं, उड़ के करना है चालान करना है या कुछ भी ऐसा। तो फिर आप कैसे अपनी जान छुड़वाती हैं? कुछ भी नहीं, यही कहते हैं कि बस के आपने पैसे वहाँ पे भी जमा करवाने तो आप हमसे ले लें, तो इस तरह हो जाता है कंप्रोमाइज। और वो मान जाते हैं? अच्छी बात, मान ही जाना उन्होंने भी। तो ज्यादा से ज्यादा रिश्वत आपने कब और कितनी दी थी? मैंने ज्यादा से ज्यादा 450 रुपया दिया था एक दिन। 450 रुपया दिया था, क्यों दिया था? भट्टे चौक, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो मैं जल्दी भी थी जाने की, जॉब पे जा रहा था मैं, तो इस वजह से। फिर यहाँ पर काफी लोग बात करने से घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि पता नहीं हमने पुलिस के बारे में क्या बात करनी है। हम इस तरह की कोई सीरियस वीडियो नहीं बना रही है, सिर्फ हम लोगों की जाती राय लेना चाह रहे हैं कि वो पंजाब पुलिस के बारे में क्या क्या कहती है। हमारी इस वीडियो को सीरियस ना लिया जाए, डिस्क्लेमर। नहीं वैसे ही हम जब जाते हैं वहाँ रोड पर जाते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं हमें, हेलमेट का पूछते हैं, उनकी ड्यूटी है ही, देखे हमारे लिए सेफ्टी है, और वो कम्प्रोमाइज भी करते हैं, कभी कभार छोड़ भी देते हैं। अच्छा बिहेव है पुलिस का ना ये, और बाज अवकात बीच में गलत भी होते हैं, जिस तरह लॉकडाउन में इन्होंने काफी ज्यादा रिश्वत भी खाई है। तो आपने रिश्वत दी थी? नहीं मैंने नहीं दी, वैसे मैंने लोगों से सुना है कि रिश्वत भी लेते हैं। आपके यानी कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि पुलिस ने आपसे पैसे मांगे और आपने दिए हो? नहीं मेरे से तो अभी तक नहीं मांगे मसलन पैसे, मसलन एक्सक्यूज करें तो वाल्टन पुलिस वाले अक्सर छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज करें उनको कि यार मेहरबानी है आपकी। बीच में है जो बदतमीजी भी करते हैं काफी ज्यादा, मसलन के जिस तरह आप दाढ़ी रखी है वो मौलवी, ऐसे ऐसे मतलब बदतमीजी करते हैं काफी ज्यादा ना, मैंने देखा अक्सर। कभी पुलिस से पाला पड़ा आपका? हाँ जी बहुत ज्यादा। क्यों पड़ा था? तंग करते थे जब लॉकडाउन था, बंद करा देते थे दुकान, हमें खोलने नहीं दिए, बड़ा तंग किया। अभी भी आ जाते हैं शाम को, जल्दी बंद करो 10 बजे, हालांकि अब तो लॉकडाउन खुल गया लेकिन फिर भी 10 बजे वो आ जाते हैं। तो पुलिस से कैसे जान छुड़वाते थे, कोई रिश्वत वगैरह देते थे?
नहीं, कभी किसी का फोन करवा देना था, कभी किसी से कुछ बात, या कभी रिश्वत। रिश्वत कैसे देते थे आप, खुद देते थे या मुतालबा करते थे? मुतालबा नहीं करते थे, हम खुद ही पानी वगैरह पिलाते थे। 14 अगस्त पे पकड़े गए एक दफा बस। तो कैसे जान छुटी थी? जान मामू एडवोकेट, उन्होंने जान छुड़ाई। मामू ने एडवोकेट होके जान छुड़वा दी। कोई कोई कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं लगे हमारे, कोई पैसे ही नहीं लगे हैं। वैसे लगते हैं पैसे? माशाल्लाह से नहीं, कभी भी नहीं लगे। नहीं नहीं, मतलब लोगों के लगते हैं? लोगों के तो लगते हैं, अक्सर लगते होंगे। तो फिर किस तरह से वो क्या करते हैं, कितनी रिश्वत मांगते हैं, तो कितनी देनी पड़ती है और किस तरह देनी पड़ती है? उनको जितने मर्जी से दो पकड़ लेते हैं, उनको बस खिलाई जाए, बस जितने देंगे वो पकड़ लेंगे। और जैसा इंसान खुद होता है वैसा बिहेव लोग उससे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी लाइफ है मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव रहा है, बहुत अच्छी बातचीत, अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे। यानी कि आपके नजरिए से पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है, आप अच्छे हो तो आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है। सिफारिश कर देते हैं, नहीं तो थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। थोड़े बहुत पैसे वो किस तरह से मांगते हैं या खुद ही दे देते हैं? कह देते हैं खर्चा पानी रख ले, चलो जान दो। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो पंजाब पुलिस को खराब करने वाली बात है ना। ऑलरेडी खराब है, खराब बंदे को क्या खराब करेगा बंदा। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हां जी, अल्लाह का कुछ। हाँ तो फिर आप इस तरह से अगर रिश्वतें देंगे तो फिर पंजाब पुलिस ने तो खराब ही होना है ना। रिश्वत के बगैर दुनिया में काम कौन सा चलता है? नहीं कोई तो रीजन होगी ना, एक तो वो पुलिस वाला, ऊपर से आप पठान, ऊपर से आपको देखा और ऊपर से आपको छोड़ दिया, ये क्या रीजन है? वो हमने फोन किया, हमारा दोस्त था। किसको फोन किया? उसने छोड़ दिया फिर। अच्छा, यानी कि सिफारिश करवाई, करवा के छोड़ दिया। फिर पंजाब आपको कैसा लगा? ये लाहौर अच्छा लगा। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा क्वेटा। क्वेटा से? तो यहाँ आके आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, बस थोड़ा बहुत गर्मी है, हमारा इलाका तो ठंडा। पंजाबियों से कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला। अच्छे हैं। चले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कभी पुलिस से इंटरेक्शन हुई है? जी जी, 2-3 बार हुई है, आईडी कार्ड की वजह से, उसके बाद चलान नहीं था हमारी पॉकेट में, इस वजह से भी चलान वगैरह भी हुआ 2-3 दफा। तो किस तरह से उनसे जान छुड़वाई थी? उनसे इस तरह ही जान छुड़वाई है कि कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं पुलिस वाले, वो बात मान लेते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं ज़रा, वो उनसे फिर थोड़ा इधर जाके थोड़ा साइड पे ले जाके एक आधे को डील करके 200-400-500 दे के, तो फिर साइड पे ले जाके किस तरह से मतलब? मतलब कि वो एक को मना लेते हैं कि आ जाओ, वो फिर साइड पे आ जाता है, उसको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, या जो अच्छे होते हैं वो फिर थोड़ा बहुत हम उनको कहते हैं कि छोड़ दें, अगली दफा अगर पकड़े गए तो हमें जिस तरह भी डील करेंगे कर लेंगे, वो फिर हमें इन शॉर्ट रिश्वत देते हैं। जो थाने के अंदर होता है वो होता है टेबल टॉकिंग, वो टेबल के नीचे से पैसे देते हैं। अच्छा, बाय रोड पे वैसे ही साइड पे ले जाके? तो फिर यही होता है, जिस आप पकड़े गए हैं वो कहते हैं इन्हें थाने में जाके बंद कर दें, फिर उनके साथ जाएंगे आप, ठीक है, रस्ते में जाते जाते आपका उससे रस्ते में आपका मुआहदे क्लियर हो जाते हैं, यही होता है। अच्छा, जब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर वो जान कैसे छोड़ती है? पैसे लेके छोड़ देती है। पैसे लेके छोड़ देती है? मांगती है कुछ पैसे या खुद देते हैं? खुद देने पड़ते हैं। खुद देने पड़ते हैं, खुद क्यों देते हैं? तो फिर छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ते तो रिश्वत दे दो, बंदा काम ही ना ऐसे करे। एक दफा हुआ था कि पुलिस वाले हमें वो तंग कर रहे थे, तो हमने उनकी कंप्लेन की थी सिटीजन पोर्टल ऐप पे, तो फिर उस पे एक्शन लिया गया था। तंग क्यों कर रहे थे? ये जिन दिनों लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन रिलैक्स हुआ था, रिलैक्सेशन के बावजूद भी वो यहाँ पे तंग कर रहे थे, फिर हमने उनकी कंप्लेन की थी, तो वो फिर मामला सॉल्व हो गया था। जी तो नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय कि पुलिस ने अगर उन्हें पकड़ लिया तो कैसे छोड़ा और कितनी रिश्वत ली, कैसे रिश्वत ली। अब आप हमें बताएं नीचे कमेंट्स में कि आपने किस तरह से रिश्वत दी, क्यों रिश्वत दी और कितनी रिश्वत दी। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।